और करीब करीब सुबह होने वाली है तो प्रकेश भाई अपनी दुकान यहाँ लगाए हुए हैं, लगातार मतलब प्रचार हो रहा है तो कम से कम प्रकेश भाई को सोचना चाहिए कि यहाँ भी कुछ भेज थे, अभी हाथ लगी एक पॉइंट और मिल गया है जैकी बास्कर को। दीदासपुर का लेकर भेज देता हूँ, प्रयास करता हूँ आगे की तलाश में। और इस तरह से कामयाबी 4-1 का स्कोर है। मीना अब्दुल्लापुर का लेकर जयदीदासपुर की कोर्ट में भेज देता हूँ। और ये कामयाबी हाथ लगी, हिसाब करता हुआ स्कोर 4-2 का स्कोर है। और इस तरह से इसी पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ इसको 5 का स्कोर है। पांच तीन का स्कोर जयदीदासपुर का लीडर देख देता हूं। इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा दुनियापुर बनाम गोविंदपुर बटिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद बिलवा रसूलपुर बनाम कामयाबी हाथ लगी, एक पॉइंट और मिल गया है। इसी पॉइंट के साथ बनता हुआ इसको जयदीदासपुर का, और ये पेटल कर लिए गए, एक पॉइंट और मिल गया है मेरा अब्दुल्लापुर को। चार आठ का स्कोर है। चार आठ का स्कोर रोल देता हूँ ये रीडर, प्रयास करता ये काफी जल्दी जयदीदासपुर के रीडर भीड़ देते हुए मेरा अब्दुल्लापुर के कोर्ट में प्रयास करते हुए अंगे की तलाश में। 4 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। और ये शायद कामयाबी हाथ लगों का स्कोर है, ये वापिस चलती है मेरा अब्दुल्लापुर के लीडर। ये है कदप्पा और खाली हाथ वापस देता हूँ।
प्रयास करता हूं आने के तलाश में। और ये टेकल कर लिए, सात मिनट का और समय बचा हुआ है दोनों टीमों के लिए। इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा विद्यापुर बनाम गोविंदपुर पटिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के तहत अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में आ जाए विद्यापुर बनाम गोविंदपुर पटिया। और ये टेकल कर लिए गए बढ़िया टेकल को ऋण देता हुआ। और बहुत सही जगह पे निशान लग 11-5 का स्कोर है। और कमलेश भाई का चेहरा मुस्कुराता है और बहुत अच्छा लग रहा है और इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और ये टेकल कर लिए बढ़िया टेकल किया है। एक पॉइंट का इजाफा देता हुआ ये प्रयास करता हुआ और इस तरह से कामयाबी हाथ लग भाई। जिस भाई को भूख लगी है जाकर के प्रकेश भाई का चना खा ले। चना जोर गए 4 बजे के बाद फ्री में चना मिल रहा है। बदलाव कम से कम हम लोग एक कमेंट्री बॉक्स में कुछ भेज के मिला करते प्रकेश भाई। शेष समय 3 मिनट। पांच सोलर का स्कोर है। ठीक है हालांकि से पिछड़ रही है फिर अब्दुल्लापुर की टीम। और इस तरह सारी हवा करता था बहादुर यादव जो बहुत अच्छा लीडर बहादुर यादव। और ये टेकल बढ़िया प्रयास लेकिन टेकल कर लिए गए 70-5 का स्कोर है। टीम कैप्टन विद्यापुर टीम कैप्टन। और ये बढ़िया टेकल का स्कोर है विद्यापुर के बीच मुकाबला होगा। तो दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में आ गया बाहुबली के कटप्पा। अरे लीडर बहुत अच्छे लीडर हैं वो। देता हूँ आइए इधर। और इस तरह से प्रयास करता हूँ आइए इधर प्रयास करता हूँ आगे की तलाश में गमन कमल की सजाना लगता हुआ। वाकई में दो कटप्पा है एक बाहर तो एक अंदर। एक कटप्पा अंदर है तो एक कटप्पा देखिए आज खेल के दौर में आदमी तरह तरह से परेशान है कमलेश भाई। लास्ट मिनट में यह मैच चल रहा है लास्ट मिनट में यह मैच चल जाएगा विद्यापुर बनाम गोविंद पटिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ गेट पर आ जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ गेट पर आ जाएगा। मैच समाप्त है। इस तरह से यह मुकाबला जीत लिया है गेंदबाज दासपुर ने।